लाल कुर्ती क्षेत्र के अंतर्गत मैदा मोहल्ले में शनिवार शाम महिला से कुंडल लूट का प्रयास करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। शनिवार शाम 5 बजे बाइक सवार दो बदमाशों द्वारा कुंडल लूटने की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हो गया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए अनावरण करने के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और सीसीटीवी की मदद से बदमाशों को शहर के बूचड़ी रोड के पास घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के नाम शिवम और सचिन है, जिनके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। लाल कुर्ती छोटा बाजार में शनिवार शाम बाइक सवार दो बदमाशों ने बुजुर्ग महिला संतोष देवी के दोनों कुंडल लूट लिए, जिसके बाद पोती रिया ने साहस दिखाया और बदमाशों से भिड़ गई। उसने बदमाशों को सड़क पर गिरा दिया और उनसे एक कुंडल भी वापस ले लिया, लेकिन मौका पाते ही बदमाश फरार हो गए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।